हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शुभ्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल वाईटी प्रेप अप। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। आई होप सबको क्लियर होगा, बट फिर भी अगर किसी को डाउट है यू कैन ड्रॉप अ कमेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मिरर एंड वाटर इमेजेस। इसमें क्या है, इसमें कुछ प्रॉपर ट्रिक नहीं है या कुछ स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है कि वो करेंगे तो इसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि मिरर पे कैसे इमेज फॉर्म होगा और वाटर में कैसे। तो उसके लिए पहले लेटर्स का पता होना चाहिए, अल्फाबेट्स का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मिरर इमेज, अल्फाबेट्स का अगर मिरर इमेज देखें तो नोट इट डाउन, क्योंकि ये एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आराम से मेमोराइज हो जाएगा, ये बहुत इजी होता है। तो मैं नोट करवा रही हूँ, आप नोट करो। यहाँ पे लिख रही हूँ तो ये होता है मिरर इमेज अल्फाबेट्स का, यानी कि बिग लेटर्स जो होते हैं उसका मिरर इमेज ऐसे फॉर्म होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने जैसा है, जैसे आई जैसा था बिल्कुल वैसा ही है, एच जैसा था बिल्कुल वैसा ही है, ए जैसा था बिल्कुल वैसा ही है। उसके बाद इधर बाकी सारा चेंज हुआ, फिर इधर टी जैसे था वैसा ही है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये कुछ टर्म्स हैं जो चेंज नहीं होते हैं मिरर इमेज पे। तो ये अगर आप अच्छे से मेमोराइज कर लोगे तो क्वेश्चन अगर इन सब लेटर्स का आएगा तो फटाक से बन जाएगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो ये आप अच्छा, और इधर से एक ओ, तो ये कुछ लेटर्स हैं जिनका मिरर इमेज पे भी चेंज नहीं होता, जो ऑर्डर जैसा रहता है वो वैसा ही रह जाता है। तो आप नोट कर लो। तो वो था कैपिटल लेटर्स का। अब हम लोग देखेंगे स्मॉल लेटर्स का, मीन्स कुछ मतलब कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनका इमेज चेंज नहीं होता, बट कुछ ऐसे होते हैं जिनका इमेज चेंज होता है। तो कैपिटल लेटर्स में 11 ऐसे थे लेटर्स जिनका इमेज चेंज नहीं हो रहा था, वो सेम वैसा ही अपियर हो रहा था मिरर इमेज पे भी। तो आप अच्छे से मेमोराइज कर लो, अगर आपको ये 11 याद रहेगा तो अगर इनका कहीं पे भी यूज होगा तो आप फास्ट कर सकते हैं। तो सेम सिमिलरली हम लोग स्मॉल लेटर्स का देखेंगे।
ये है स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स में भी कुछ होंगे जो चेंज नहीं हुए होंगे, उसमें क्या है, ओ, ओ चेंज नहीं हुआ। फिर इधर वी, डब्ल्यू, एक्स, ये कुछ लेटर्स हैं जो चेंज नहीं हुए हैं बट बाकी चेंज हुए हैं, तो ये आप नोट करो। तो हम लोग कैपिटल लेटर्स का भी मिरर इमेज देख लिए, स्मॉल लेटर्स का भी देख लिए, अब हम लोग देखेंगे नंबर्स का। मींस जब लेटर्स का आएगा तो पता चल गया आपको कैसा इमेज फॉर्म होगा, बट जब नंबर्स का होगा तो क्या होगा वो देखते हैं। तो है इट इज, जब नंबर्स का चेंज करेंगे हम लोग फॉर्म तो वो ऐसा होगा, जिसमें जीरो विल रिमेन अनचेंज्ड, जीरो जीरो ही रह जाएगा। ऑल राइट, और यहाँ एट भी नहीं चेंज होगा, एट भी वैसा ही रह जाएगा। तो ये होता है मिरर इमेज नंबर्स का, ये आप नोट कर लो। तो मिरर और वाटर इमेज के लिए अभी वाटर इमेज भी बताऊंगी, बट पहले मिरर इमेज। और मिरर इमेज बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इतना ही इजी होता है। और इसके लिए एक और बात कि जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या क्वेश्चन आता है तो नंबर्स और लेटर्स पे रेयर आता है, वो पिक्चर्स पे आता है। तो पिक्चर्स का मिरर और वॉट इमेज क्या होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।